नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें रिट पिटीशन क्रमांक 1376/2022 यानी दोस्तों 13/67/2022, जिसमें आपको पता लास्ट टाइम जो सुनवाई हुई थी 15 मार्च 2024 को सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर के जो है डिस्कशन हुआ था दोस्तों कि रेस्ट्रोस्पेक्टिव लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है 11 अगस्त 2023 से जो प्रोस्पेक्टिव लागू कर दिया, लेकिन जहाँ पर मामला सब्जेक्ट टू आउटकम है, जहां की भर्ती जो कोर्ट में चैलेंज की गई है वहां पर रेट्रोस्पेक्टिव होगा, वहां पर जो है चीजें भूत लक्षी होंगी दोस्तों। इसको लेकर के जो है जज महोदय ने शील लागू ने कहा कि हमें पूरी की पूरी भर्ती का एक टेबल चार्ट चाहिए। टेबल चार्ट में ही होगा कि कब एडवर्टाइजमेंट आया, कब रिजल्ट आया, कब अपॉइंटमेंट हुए, कब हमने भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम किया, ये सारी डेट मेंशन नहीं है, तो हमें डिसीजन लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो आप जो है ऐसा करें, अगली सुनवाई में हमें पूरा टेबल चार्ट दें, चाहे कोई भी पार्टी दे सकती है, चाहे बीएड हो, टीएड हो या एमपी गवर्नमेंट, तो अगली सुनवाई हम 24 मार्च को करेंगे, ऐसा जो लास्ट ऑर्डर उन्होंने दिया था। और फाइनली दोस्तों 24/4/2024 के लिए ऑनरेबल जस्टिस सील लागू एंड अमरनाथ किशोरवानी के लिए ये कोर्ट नंबर 24 में लिस्ट हो चुका है साथियों, यानी अब जो है 24 तारीख को फाइनल सुनवाई होने वाली है। इसमें कोई डेट नहीं मिलेगी, आप यकीन मानिए डेट लेने या देने लायक कुछ बचा भी नहीं है, ना किसी पार्टी का आर्ग्यूमेंट होना, ना किसी को सुनना है, केवल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एनालिसिस करके अपना ऑर्डर रिजर्व होना है या तुरंत ऑर्डर सुना दिया जाएगा। तो ये लिस्ट हो चुका है 2:15 में, दोपहर में ही सुना जाएगा, क्योंकि ये 15/4 का लास्ट का टाइम का ऑर्डर था। हालांकि ऐसे जरूरी नहीं कि 2 बजे ही सुना जाए, 24 नंबर जल्दी लग जाएगा आपका मामला। इस तरीके से दोस्तों ये 24/4/2024 के लिए लिस्ट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ डीएड वाले साथियों को कि जिस प्रकार से आप सीनियर एडवोकेट चाह रहे थे वो अभी नहीं आ सकते, क्योंकि उतनी फीस नहीं हुई है। आप लोगों को बोला गया था कि 18 तारीख तक कर देना या 19 तारीख सुबह तक दोस्तों। तो अगर आप अभी भी, आपके पास समय है 2-4 घंटे का, अगर आप अभी भी कम से कम दोस्तों अभी 1.5 लाख रुपये की आवश्यकता है, तब सीनियर एडवोकेट आना चाहेंगे, जिनको हम चाह रहे हैं, जिनको हमें कमेटी अभी लाना चाह रही दोस्तों। जैसे लास्ट में हमने बताया था कुछ अमाउंट, तो हालांकि साथियों ने सहयोग किया, लगभग जो है 1,80,000 यानी मैं राउंड फिगर बात करूँ तो 2 लाख करीब आ चुका है दोस्तों, ठीक है, 1.5 से 2 लाख रुपये आ चुका है। अभी हमें सख्त आवश्यकता 1.5 से 2 लाख रुपये की। और यदि अगर आपने 3-4 घंटे के अंदर नहीं किया, समझ लेना सीनियर एडवोकेट नहीं आएंगे, फिर जो पैनल होगा आप ना बोलिएगा कि सर हमने जो है इस तरीके से सोचा था, ये पैनल आएगा, वो आएगा, नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट बार है। अब ना बार बार तारीखों का झंझट होगा, ना बार बार फंडिंग कराना होगा, बस आप ये चीज़ जो है समझ लीजिए, 24 तारीख को आपका फैसला हो जाएगा। 24 जो बीएड आउट एंड डीएलएड की ज्वाइनिंग होगी, जिस प्रकार सीजी का आया था दोस्तों, वैसे ही आप लोगों का कोर्ट ऑर्डर रिजर्व होने के पूरे चांसेस हैं, और बाद में जो भी होगा वो आप लोगों को बताया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें, धन्यवाद, जय हिंद। फंडिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मनीष सैनी सर और श्रीराम सर के जो बार कोड्स आ रहे हैं, आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में, उनमें ज़रूर अगर आपने एक बार सहयोग कर दिया है तो दोबारा सहयोग करें, लेकिन ज़रूर करें साथियों। अब जो स्थिति करो या मरो की स्थिति आ चुकी है, अब बिल्कुल इंतज़ार करने वाली बात नहीं है। आज आप लोग देख सकते हैं 19 तारीख है, आज मतदान है, और फाइनली अब हमारे पास ज़्यादा समय भी बचा है, 3 दिन का समय बचा होगा, 3 से 4 दिन में हम लोगों को सारी चीज़ें ब्रीफिंग करना, वकील से बात करना, क्या तथ्य रखना, सारी चीज़ में भी समय लगता है। सोचो कमेटी कितनी मेहनत कर रही होगी, फिर भी आप लोग समझने को तैयार नहीं हैं। चलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करना, नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े। धन्यवाद, जय हिंद।